नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, जरूरी नहीं है कि भीख मांगने के लिए हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा होना आवश्यक हो। भीख तो जोली फैलाकर या फिर इमरान की तरह पिछवाड़ा दिखाकर भी मांगी जा सकती है। कल जब यह लोंडा पीएम दुनिया के अमीर देशों के आगे गिड़गिड़ाया तो पाकिस्तान में तालियों के साथ गधैया नृत्य भी किया गया। इन्हें लगा पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज लेकर जो तहमत रंगीन किए थे, अब इमरान खान वे कर्ज माफ करवा देंगे। मतलब दुनिया से मोटे सूद पर कर्ज लेने वाला पाकिस्तान अब कोरोना वायरस के नाम पर उसे माफ करवाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यानी दुनिया के 205 देशों में यह पहला मुल्क है जो वायरस से लड़ने की बजाय कर्ज माफी पर ज्यादा पिछवाड़े पटक रहा है। पाकिस्तान पे 113 अरब डॉलर का भारी भरकम विदेशी कर्ज है। इसमें चीन का हिस्सा 62% के करीब है। यानी पाकिस्तान आधे से ज्यादा चीन के कब्जे में है। उसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, कतर, यूएई, तुर्की और यूरोप के देशों द्वारा दिया गया कर्ज है। पाकिस्तान को इस कर्ज के लिए अपने रेवेन्यू का 82% सूद के रूप में चुकाना पड़ता है, जबकि शेष 18% में तनख्वाही और सरकारी खर्च चलते हैं। जिसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के विकास कार्यों के लिए तो ढेला बचता ही नहीं, फिर वह कोरोना वायरस से कैसे लड़ पाएगा। पाकिस्तान की हालत यह है कि यहां 6000 से ऊपर संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। 98 टोपीबाज बिना चिट्ठी के ऊपर पहुंच गए हैं। 600 से ज्यादा वेंटिलेटर पर पड़े हुए टिकट कटाने के इंतजार में हैं। पर इन तहमतबाजों की मौत से ज्यादा इमरान के सामने एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है, जो राशन के लिए सड़कों पर आई भीड़ ने उत्पन्न कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाघ जिले में लोगों ने सीपैक पर हल्ला बोल दिया, जहां से 20 से ज्यादा चीनियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लोगों का आरोप है कि चीन से आए इन श्रमिकों की वजह से उनके इलाके में संक्रमण फैला है। चीनियों को मालपुए खिलाए जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास उनके लिए राशन तक नहीं है। लोगों में गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने सीपैक का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के चलते यहां 48% से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। सरकार के खजाने में पैसा नहीं होने के चलते पिछले 10 दिन से करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ रहा है। इमरान दुनिया के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, पर जनता है कि अब विद्रोह पर उतर आई है। लोगों ने सड़कों पर आकर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। कहने वाले तो इसे इमरान के लिए खतरे घंटी बताते हैं, पर हकीकत यह है कि लोगों में बढ़ता आक्रोश पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत की घंटी बन चुका है। केवल सीपैक के आसपास ही नहीं, करोड़ों पाकिस्तानियों के सबर का बांध कहीं भी टूट सकता है। हालांकि पाकिस्तानी फौज भारतीय सीमा पर गोलीबारी करके अपनी आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश में है, मगर इस बार लोग राशन के लिए नारे लगा रहे हैं। आशंका तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध भड़क सकता है। संभवतः ऐसी हालत से बचने के लिए पाक सेना इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार की मुश्किल यह है कि उसके खाद्यान्न भंडार खाली हो चुके हैं। सेना को अपने अनाज भंडारों से राशन की पूर्ति करनी पड़ रही है। हालत यह है कि सरकार के पास बामुश्किल 15 दिन का ही अनाज बचा है। ऐसे में अगर लॉकडाउन नहीं खोला गया तो पूरा पाकिस्तान अकाल की हालत में आ जाएगा। हालांकि पंजाब सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया है, मगर दिक्कत यह है कि अब उसके सामने संक्रमण को नियंत्रित करने की मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पंजाब सूबा सबसे ज्यादा वायरस संक्रमित है। यहां 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यानी पाकिस्तान की हालत धोबी का कुकुर घर का ना घाट की हो गई है। इमरान खान ने अमीर देशों से कर्ज माफी की जो गुहार लगाई थी, दुनिया ने उसे किनारे कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का यह पैतरा नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान को न कर्ज में रियायत मिलेगी और न सूद में कोई छूट दी जाएगी। इमरान खान पहले भी 2 बार दुनिया से ऐसी अपील कर चुके हैं। स्थिति यह है कि चारों तरफ से घिर चुके इमरान की कुर्सी पर ही संकट मंडरा रहा है। बाजवा कुपित है और इमरान द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से नाखुश है। यानी जनता की लाते तो बरस ही रही है, फौज और सरकार में भी लट्ठा मलट्ठा चल रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।